एक और ऐसे परफॉर्मर का जिन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बड़े क्रूशल मोमेंट पे, एजाज चीमा साहब यहाँ पे मौजूद हैं. इफ़ आई कुड प्लीज़ कॉल हिम अपॉन द स्टेज टू टॉक टू हिम अबाउट दैट एपिक ओवर. आप सबको याद होगा जिस तरह से कितने रन चाहिए थे और कितने डिफेंड किए. एजाज साहब आपने इस थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया, आपकी हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से करें, कि क्या सोचा था मैंने, क्या कराना है, कितने रन्स, थोड़ा सा हमारी यादें दोबारा से ताज़ा करें. जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर मुझे बुलाने के लिए और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मौका मिला लास्ट ओवर करने का एशिया कप में. अगर रिलीव करूँ मोमेंट को तो 47th ओवर जो था उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि लास्ट ओवर मुझे ही मिलेगा. हैविंग सीन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर बॉलर्स उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि आई वॉज इन गुड रिदम एंड इन कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल किसी किस्म का डाउट नहीं था कि मैं इस ओवर को पाकिस्तान को जितवा नहीं सकता. मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट पहले बॉल से ही कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊँगा. बट प्रेशर, यू नो, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर, लाइक यू नो व्हेन यू आर इन दैट लास्ट ओवर एंड यू थिंकिंग के यॉर्कर कराऊँ, वाइड यॉर्कर कराऊँ, स्लोअर वन कराऊँ, स्लोअर बाउंसर कराऊँ, इतने रन, मतलब आपका वो थिंकिंग प्रोसेस जो होता है उस वक्त, हाउ डू यू रिकलेक्ट योर थॉट्स इन इन दैट टाइम व्हेन एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ ऑन द एज. देखें, ऐसी कंडीशंस के लिए बंदा अपनी ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है और ये कॉन्फिडेंस आपका रीगेन होता है, गेन होता है ऐसी कंडीशंस के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस करके. और मैं फॉर्चुनेट था कि इन द ग्राउंड मेरे साथ बड़े. टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. तजर्बाकार प्लेयर्स थे, मिसबाह उलहक कैप्टन थे, मोहम्मद हफीज थे और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा. क्या टिप्स दी थी आप इन्होंने आपको, ये भी जरा बता दे साथ साथ क्या डिस्कशन. मैं जी मेंशन करना चाहूंगा कि ठीक है, मैंने यॉर्कर भी किया उस ओवर में, स्लो डिलीवरी भी की, मिसबाह भाई से हर बॉल पे मशवरा कर रहा था, उसके मुताबिक हम फील्ड सेट करते थे. लेकिन जब लास्ट बॉल आई तो आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन माई स्लो डिलीवरी और मैंने मिसबाह भाई से बात की कि आप मिड विकेट, डीप मिड विकेट लें और शहादत हुसैन जो फास्ट बॉलर है उसको मैं स्लो डिलीवरी करूँगा, आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे. तो हफीज़ भाई ही वॉज एट कवर ऑन द बाउंड्री, ये वहाँ से भागते हुए आए और इन्होंने काफ़ी सख्ती से मुझे कहा कि बींग अ बैट्समैन अगर मैं हूँ, मेरे लिए डिफ़िकल्ट डिलीवरी यॉर्कर टू फेस करना है तो गो फॉर अ यॉर्कर. और मैं थैंक यू करूंगा इनके कीमती मशवरे का कि वहाँ पे वो काम आया और अल्लाह का शुक्र है कि हम जीते. नहीं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है बिकॉज बॉलर्स ऑब्वियसली फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव सोच रहे होते हैं, बट देन देयर इज द बैटर्स पर्सपेक्टिव एज वेल, कि उनके लिए एज अ बैट्समैन व्हाट वुड बी द टफ डिलीवरी टू फेस इन दैट लास्ट ओवर. बट नहीं, थैंक यू सो मच एजाज, हम आपसे उसी ओवर की जो है बात करना चाहते थे. वी जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस में या जनरली टूर्नामेंट्स में काफ़ी मैचेस पहुंच जाते हैं आखिरी ओवर में, इतने रन चाहिए या इतनी विकेट्स चाहिए, एंड देन इट रियली इज़ अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो थैंक यू सो मच, आप वापस जा सकते हैं.